ओके, वेलकम बैक प्यारा रमजान के किचन में जिसका नाम है गेट सेट कुक बाय डॉलिंस। और यहाँ मौजूद है शेफ अरूज द ग्रेट, जिन्होंने कल बताया कि आदमियों का भी नाम अरूज होता है और इनको काफी ऐसे सारे मेरे एक अंकल हैं, फैमिली फ्रेंड हैं, उनका नाम अरूज है। हेलो अरूज अंकल, हेलो अरूज आपी। आई एम सीरियस, बच्चे कंफ्यूज रहेंगे क्या चल रहा है। जब उनको बुलाती थी और अरूज तो वो भी हाँ, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं तो खुर्शीद जो है वो खातून भी होती है, मर्द भी होता है। और क्या क्या नाम है भाई? खुर्शीद, खुर्शीद और इशरत, इशरत जो है वो भी तो होता है। अरूज तो हो गया, अंजुम, अंजुम। अच्छा मुझे तो बैंक से कॉल आती है, अस्सलाम वालेकुम मैम, राबिया अंजुम बात कर रही है। मैं कहती हूँ नहीं, फोन बंद हो जाता है। फिर थोड़ी देर अस्सलाम वालेकुम आप राबिया अनम बात कर रही है। मैं कहा हाँ अब सही नाम लिया है, तो मुझे तो सारे वैसे ही अंजुम कहते हैं। अच्छा मैं बाय द वे आज बहुत सारी रेसिपीज बनानी है, इसलिए टाइम का मुकाबला सब चलो चुप ही करा दिया, बेइज्जती कर दी। सो सॉरी। हाथ धोए अपने खाने पकाने से पहले लाइफबॉय हैंड वॉश से। लाइफबॉय हैंड वॉश जो है ये आम साबुन के मुकाबले में 100% ज्यादा तहफ़ देता है आपको जरासीम से, और वो भी सिर्फ 10 सेकंड। फाइनली इस ट्रांसमिशन में हमें कुछ मिला है, ये हमारे लिए या किसी और के लिए है? ये हमारे लिए, ये हमारे लिए। वाकई क्या बात है यार। और ये डॉक्टर बिल्कीस के लिए ये डॉक्टर बिल्कीस के लिए जी, और ये शेफ अरूज के लिए। नहीं भाई बहुत शुक्रिया। हाँ भाई ये देखा भाई, फिलिप्स की जानिब से, फिलिप्स इज माय पर्सनल फेवरेट ब्रांड। हाँ तायरा मुझे पता है कि किस किस के लिए, मैं सिर्फ इन्हें तंग कर रही हूँ ताकि इन्हें लगे कि ये इनका नहीं है। नहीं नहीं ये बताते हैं ना क्या है। हाँ बताएं पहले, मतलब आई लव लुकिंग एट प्रेजेंट्स। यस भाई ये मेरा पर्सनल फेवरेट ब्रांड है। आई हैव अ हेयर ड्रायर एंड अ कर्लिंग आयरन फ्रॉम फिलिप्स। और इनकी जो टीम है दे आर वेरी गुड पीपल अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह इस ब्रांड को चला रहे हैं। ये पाकिस्तान का वो पर्सनल केयर का ब्रांड है जिसको मर्द हजरात भी इसके जो शेवर्स हैं, ट्रिमर्स वगैरह हैं, वो सब यूज कर सकते हैं। और खवातीन के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपका हेयर रिमूवल के लिए जो होती हैं डिवाइसेस वो हैं इसके साथ, हेयर आयरन और हेयर ड्रायर्स बहुत सारे हैं। इनका एक चीज मैं आपको बताऊंगी, इफ यू रियली वांट टू बाय समथिंग फॉर योरसेल्फ ईद के लिए, तो इनका एक स्ट्रेटनिंग ब्रश है। ओ द वन दैट स्पिन्स, यस वो आप जरूर खरीदें। सो इजी, घर में आपको कोई ब्रश पकड़ के कुछ नहीं करना पड़ेगा हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए। हाँ दोनों चीजें हो जाएंगी, उससे आपके बाल सीधे भी हो जाएंगे और आपके बाल में वॉल्यूम भी रहेगा, तो वो जरूर लें। थैंक यू फिलिप्स, थैंक यू वेरी मच। फाइनली किसी को हमारा भी ख्याल आया, आई एम सो ग्लैड कि हम रोजाना बर्तन धो रहे हैं। आज हम बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ बना रहे हैं, और रेसिपी के जो पहली रेसिपी हम बना रहे हैं उसका नाम है पनीर रेशमी हांडी। ओए होए यम, आई थिंक पहली कोई इस तरह की चीज बन रही है ना देसी स्टाइल की। हाँ दिस एक्चुअली सालन शालन एंड बिरयानी, आज नहीं बना दोनों जो चीजें हैं वो सालन देसी है। एक हम कोयला कढ़ाई बनाएंगे, मगर पहले हम बनाएंगे पनीर रेशमी हांडी। कढ़ाई भी बन रही है और हांडी भी बन रही है, क्या बात है। रेस्टोरेंट जाने की जरूरत ही नहीं आप लोग। आज मैंने सोचा कि आप लोगों बिस्मिल्लाह कीजिए और आप मुझे बताइए, मैं आस्तीने चढ़ा लेती हूँ। हाँ प्लीज आस्तीने चढ़ा लें जी, बताइए आप मेरा थोड़ा यहाँ पर इस रेसिपी को आप प्लीज ये डालिए और फिर ये डालिए। ये क्या? अच्छा है? ये है जी देसी घी, देसी घी है गए, देसी घी तो आई लव किया करो। यस आई लव देसी घी, पूरा ना पूरा पूरा ऑफ कोर्स देसी खाना बना रही है जी, मैं कर रही हूँ बिल्कुल स्लीव्स पीछे। घर में अगर आप खाना पका रही हैं तो बिल्कुल आपको हमारी तरह शो शाम मार के दुपट्टे सेट करके बिल्कुल खाने बनाने की जरूरत नहीं है। हमेशा कॉटन स्लीव्स पहने, फिटेड पहने और दुपट्टा प्लीज मत पहने। अगर आपको कोई दुआ पढ़नी है साथ में कुछ करना है तो हेड स्कार्फ जो पीछे बन जाते हैं वो पहन के करें, किचन का दरवाजा बंद करें और फिर नहीं कोई मसला नहीं है, मुझे आदत है। मैं घर में भी बचपन से दुपट्टा सेट करके होस्ट बनने की प्रैक्टिस करके और खाने बनाती थी। अच्छा वैसे एक बाय द वे बात सच है रूज, कि जब मैं बिल्कुल भी मतलब इस उम्र की नहीं थी कि मैं होस्ट बनूं, तो मैं घर में जब थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें नहीं होती, अम्मा कहती हैं यार ये बना दो बना, तो मैं उस वक्त कहती थी अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच ये, अब इसको हम ऐसे करेंगे। सो मैं हमेशा से एक कुक थी किचन में, मतलब आप और वो भी टीवी कुक, और वो इसलिए जुबैदा आपा को देख देख के, शीरी आपा को, सबको देख देख के। तो अच्छा आपने बस इसको हल्का सा ब्राउन करना है, और ये बाय द वे पनीर रेशमी हांडी जो है ये बहुत फास्ट फास्ट बन जाएगी, सो इट विल बी रियली क्विक, दिस विल गो डाउन वेरी फास्ट। पनीर रेशमी बाय द वे अगेन, मुझे मेरे ख्याल में मेरे सारे क्लाइंट्स ना एक दिन कत्ल कर देंगे, अल्लाह ना करे। सारे के सारे सारे एक को ही करना पड़ेगा, बाकी सबको जरूरत नहीं। रेस्टोरेंट है कराची में बड़ा फेमस, हाँ उसकी है ये फेमस जो कि सी साइड पे,
उसकी भाई मतलब बिल्कुल पक्का वाला मरवाओ ना। इसी साइड पे बहुत सारे हैं, क्या हो गया? मैंने ये थोड़ी बोला कि उसका नाम क से आता है। ओके नहीं नहीं अल्लाह उनको बरकत दे भाई, यहाँ एक्सप्रेस में रेसिपी बता के उनकी उनकी कमाई में कोई कमी नहीं आनी। उनको माशाल्लाह उनकी सर्विस इज द बेस्ट। और कभी 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 कोई चीज भी मसला हो जाए, खराब हो जाए, तो रिप्लेस भी करते हैं, बल्कि वो इतनी माफिया मांगते हैं कि इंसान शर्मिंदा हो जाता है कि मैंने शिकायत क्यों लगाई। अच्छा हम लोग यहाँ पर डालेंगे हस्बे जायका नमक, और मैं राबिया अनम को चम्मच पकड़ाती हूँ। और भाई कल का जो सालसा मैंने बनाया था ना, अच्छा बन गया था। और जो आपने कैसरलास बनाए थे, एवरीवन बिकेम अ फैन ऑफ इट। आई थिंक हार्डली कोई कैमरा बंद होने के बाद 3 मिनट में खत्म हो, सारे बनाए थे हमने, वो बिल्कुल चट और पट हो गए। अच्छा अच्छा आप डाल रहे हैं, डालेंगे आप प्लीज आप बोलिए नाज़रीन को, बताएं ये क्या है। कुटी हुई काली मिर्च, सफेद मिर्च, जरा थोड़ी और डाल दो। हाँ मैं कह रही हूँ ये इससे चम्मच से डालिए। नहीं ना वो आपको पता है ना, मुझे जरा हाथ का जायका आ जाएगा जी। जायका है बहू के हाथ में। जायका भी, और मुझे थोड़ा ना अंदाजा हो जाता है कि कितनी जाएगी चीज हाथ से। ओके हम लोग डाल रहे हैं इसके अंदर ये सफेद मिर्च, पिसी हुई भुनावा जीरा, धनिया पाउडर, ठीक है। और ये थोड़ी थोड़ी आपने डालनी है इसके अंदर। मैं नटमेग, जायफल और जावित्री का पाउडर कर लिया। जायफल जावित्री का पाउडर, इसका बस थोड़े थोड़े चुटकियां, स्मॉल स्मॉल, हाँ लिटिल लिटिल, नॉट मैं समझ गई हूँ कि ये बिल्कुल ही थोड़ा जाता है। अच्छा इसके अंदर जो इसका की इंग्रेडिएंट है वो बड़ा जबरदस्त किस्म का है। एक तो इसमें जाएगा ऑल्पस का दूध, इसमें जाएगा दूध, ओके, इसमें जाएगी ऑल्पस की चेडर चीज। ऑल्पस के बारे में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ऑल्पस जो है, ओहो, ऑल्पस जो है डेयरी मिल्क, डेयरी से बनता है, दूध से बनता है, तो गजाइत से भरपूर है। और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, इसकी जो बाय द वे स्लाइस चीज है, एक चीज के स्लाइस में एक पूरे के पूरे दूध के ग्लास की तवानाई है, ताकत है। तो अगर आप अपने बच्चों का, आपके बच्चे दूध नहीं पीते, तो उनको चीज का एक स्लाइस टोस्ट के ऊपर डाल के दे दें, एंड देन यू कैन रेस्ट इजी, यू नो दैट दे हैव हैड वन ग्लास ऑफ मिल्क। एग्जैक्टली उतनी तवानाई है। ये हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू होगा, और इसके अंदर हम लोग थोड़ी मैं आंच तेज कर रही हूं, दुपट्टा मैं बचा लूंगी। ऑल्पस की शेडेड चीज का मेरे पास ब्लॉक है, मैं ये इस्तेमाल कर रही हूं। सही है, सो ऑल्पस शेडेड चीज यहाँ ले आती हूँ, आप लोग भी रेसिपी देख लें, यहाँ पर ज्यादा अच्छी शॉट बनती है। जी जी बिल्कुल, जहाँ आप कहेंगे वहाँ शॉट बन जाएगा। ब्रिलियंट कैमरा की टीम है हमारी, फिक्र ही ना करें आप। अच्छा कैसा चल रहा है आपका चिकन? बिल्कुल जी चल तो नहीं रहा बेचारा, क्योंकि ये इसकी जो है हमने बोटी कर दी है। अच्छा ये मैं पूरे का पूरा ब्लॉक डाल रही हूँ, बिकॉज आई नो कल की ऑपरेशन के बाद मुझे ये तो डेफिनेटली पता चल गया कि हमारी हम बहुत भूखी टीम है। इस टीम को चीज भी बहुत पसंद है, तो जितना रिच खाना होगा, बिल्कुल भी डाइट कॉन्शियस टीम नहीं है माशाल्लाह एक्सप्रेस पे। लेकिन यार कल जो जिस खातून ने वो खाना बनाया था ना, बस उनके हाथ में जायका ही बहुत है, तो वो अल्लाह की तरफ से जो टेस्ट आ गया था सालसा में और कैसेडियाज में, तो मजा आ गया था, बेहतरीन हो गया था। अच्छा ये जो अच्छा भाई इसमें हमने डाला है देसी घ्यो, देसी घ्यो के अंदर हमने डाली है चिकन, चिकन की हमने बोटी करके डाली है, बोटी करके डालने के बाद हमने इसमें डाली है कुटी हुई काली मिर्च, पिसी हुई सफ़ेद मिर्च, कुटा हुआ जीरा, जायफल जावित्री बहुत थोड़ा थोड़ा, और सूखा धनिया, ठीक है, पिसा हुआ सूखा धनिया, ये हमने करके अब इसको हम, और पहले आपको पता है लहसुन डाला था हमने। अच्छा तो, मैं यहाँ पे ब्लॉक चीज पूरे का पूरा ब्लॉक मैंने इस्तेमाल किया, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ बाय द वे, इसको आपने छोटा छोटा कट कर लिया का, ठीक है, मैं छोटा छोटा कट कर रही हूँ। इसके अंदर मैं राबिया अनम से डलवाऊंगी अब प्याज और शिमला मिर्च, इसके बाद डालनी है प्याज। हाँ ऑल राइट, प्याज गोल्डन नहीं करनी हमें, खड़ी खड़ी प्याज चाहिए जी। सॉरी लेट इट गो, लेट इट रेन। अच्छा ये आप भाई इसका कट भी देख लेना कि किस तरह का कट है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बाय द वे मैं जिस तरह बना रही हूँ ऑल्पस चीज के साथ एक बड़ी जबरदस्त किस्म की यू नो ये डिश, ये आप ट्राई करें, आज ही ट्राई करें। और अगर आप आज ट्राई करते हैं तो आई हैव दिस अमेजिंग इन्फॉर्मेशन फॉर यू। ऑल्पस बाय द वे एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ कर रहा है, और वो है ये कि आपकी स्क्रीन पे इस वक्त एक व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, हम लोग ऑल्पस की जानिब से आपको तोहफा भेजेंगे। हर किसी को तोहफा पसंद आता है। वाओ ब्रिलियंट, राइट। हमने करना क्या उस व्हाट्सएप नंबर पे? आपने उस व्हाट्सएप नंबर पे डिश बनानी है, आपने ये डिश बनानी है या कोई और डिश बनानी है, मुझे उसकी तस्वीर इस व्हाट्सएप नंबर पे भेजिएगा विद अ पैकेट ऑफ ऑल्पस चीज। और हर रोज राबिया अनम आपके 3 विनर्स को अनाउंस करेंगी, और उनके घर पे जाएगा अमेजिंग किस्म का गिफ्ट। क्या बात है, इसको और आसान कर देती हूं, तोहफा चाहिए ऑल्पस की तरफ से, सीधी तरह जाओ दुकान पे,
ये ऑलपर्स की चीज का पैक खरीदो, मोजरेला खरीदो, चेडर खरीदो, कोई भी खरीदो, ठीक है? आपने ये खरीदना है, चीज का डिश बनानी है, उससे आपने कोई भी डिश बनानी है। अगर बहुत ही आप अच्छी डिश बनाना चाहते हैं तो ये बनाएं ताकि मजा भी आए खाने में और गिफ्ट शिफ्ट मिलने का भी सिचुएशन बन जाए। हर रोज तीन लोगों को गिफ्ट देंगे। अच्छी वाली तस्वीर खींचनी है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आपने मुझे भेजनी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है? लेकिन इसमें और कोई चीज आपने नहीं भेजनी, मेरा नहीं है व्हाट्सएप नंबर। तो आप जब इस पर पिक्चर भेजेंगे तो हम तीन बेहतरीन तस्वीर और डिशेस को चूज करेंगे और आपको यहाँ देंगे तोहफा बाय ऑलपर्स। अच्छा, यहाँ पे छोटा सा एक डिस्क्लेमर डाल, आई नो एवरीवन इज रियली कंसर्न्ड अबाउट देयर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, तो हम आपकी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो कि आप हमें भेजेंगे वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूज करेंगे फॉर दिस एक्टिविटी और उसके बाद डिलीट कर देंगे, तो आपको डरने की भी जरूरत नहीं है। देख के डिलीट कर देना। हाँ, देख के हम लोग डिलीट करते हैं, मतलब तोहफा आपको देने के बाद डिलीट करेंगे। ऑफ कोर्स। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने डाल दिया है, इसके अंदर मैंने खोपरा डाला है, देखना राबिया अनम को लग गई है हंसियां। खोपरे के बाद मैं डाल रही हूँ इसके अंदर चीज। ओह माय गॉड, बहुत ही कोई जो है ना, आप क्या कहें, MCR बहुत अमेजिंग है, आई एम श्योर। नहीं नहीं यार, वो तो बेचारे खामोश ही रहते हैं, वो कहते हैं ये दोनों खवातीन के आगे हम क्या बोलें, बेचारे से लोग हैं, मासूम से। एंड वाली भी होती है ना जो चीज। मैं आपको इंशाल्लाह आखिरी के एक दो रोज में जरा उन लोगों के चेहरे दिखाऊंगी जो मेरा सर खाते रहते हैं, जिसमें ताबिश है, शहरी है, ताबिश जो है जी, जो मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे होते हैं, उनके घर में पानी नहीं आ रहा। वो अभी गए हैं फोन करने के, जी टैंकर लेकर आओ, ये हाल है। ताबिश के घर में पानी भेजो, ये क्या तरीका है? हालात ये हैं कि ना पानी आ रहा है ना गैस आ रही है, बस कुछ सिर्फ गिफ्ट्स आ रहे हैं ऑलपर्स की तरफ से। ये है गिफ्ट चाहिए अगर आप लोगों को। बाय द वे ऑलपर्स की मैं क्रीम भी डाली हूँ, मैंने ऑलपर्स के तीनों प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया। क्या गिफ्ट आएगा ये भी बता दो, ताकि मैं भी ये तस्वीर यहीं से खींच। बिल्कुल भी नहीं, आपको चीटिंग हम नहीं करने देंगे। बहुत जबरदस्त किस्म का गिफ्ट हैम्पर है, मैंने जाके चेक किया, उसे really? वो कमरा है ना पीछे वाला, उसमें बहुत सारी चीजें, बस हमें मिल नहीं रही। आप एक बंदा है जीशान, उसका भी मैं व्हाट्सएप नंबर दूंगी आपको दो दिन बाद, अगर हमें चीजें ना मिली, सही है? फिर आप लोग उसको मैसेजेस कीजिएगा। हाँ, अगर आपका तोहफा आप तक ना पहुंचा ना इसके बाद, तो सबके नंबर आउट कर दूंगी, हिना के, मिसबा के, जीशान के, बोलूंगी दे रहे हो चीजें या मैं नंबर बताऊं। अच्छा देखिए, मैंने सब कुछ इकट्ठे डाल दिया, एंड नाउ वी जस्ट गोना लेट इट कुक ऑन लो हीट। यार मुझे खोपरे का पाउडर, थोड़ा सा, ठीक है यार, लेकिन लुक देखें ये जब हो जाएगा ना, ये ब्रिलियंट हो जाएगा। काली मिर्च मुझे लगता है कम नहीं डाली, मैं और डाल देती हूँ। ये वाली ये वाली डाल दो। ओके, कुटी हुई मोटी जरा मुंह में अच्छी लगती है, फ्लेवर अच्छा आता है। ठीक है भाई। अच्छा, साथ साथ हम दूसरी वाली रेसिपी चला भी दें आप जल्दी से। खोला कढ़ाई बना रहे हैं क्या? खोला कढ़ाई नहीं, इससे पहले हमने बनाया मखनी हांडी ना, चिकन रेशमी पनीर, सॉरी तो मैंने नाम भी चेंज करने की जरूरत। लेकिन आपको पता है हम यही बोल देते हैं और वो उनको पता होता है हम क्या मांग रहे हैं। तो पनीर रेशमी हांडी बन रही है जी, कराची के एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट की हम कॉपी करके आपको बता रहे हैं। बार बार मैं बोलूंगी ताकि इसको कहीं नौकरी ना मिले। तो यहां से और अब हम बना रहे हैं एक और कराची के बहुत बड़े रेस्टोरेंट की फेमस कोयला कढ़ाई। ओके, मुझे हमेशा लगता था कि कोयला कढ़ाई जो है वो बहुत मुश्किल है, बट आसान है, बहुत आसान है। डालडा कुकिंग ऑयल डाला है हम लोगों ने, क्योंकि जहां मामता वहां डालडा, बिल्कुल। और डालडा जो कुकिंग ऑयल है वो पिछले इतने सारे 80 साल से भी ज्यादा माओ का बेहद भरोसा है इस पर, जो डालडा को बनाता है एक कामयाब ब्रांड। ना बदले जमाना, ना बदले डालडा, ना बदला रमजान, ना कम हुई रमजान की बरकतें, और डालडा भी आपके लिए राय रमजान की बहुत सारी बरकतें। माओ का इस पर बेहद भरोसा है, इसलिए हमारे हर किचन में कुछ और होना हो डालडा हर वक्त होता है। सॉरी, हम वो घरेलू काम करें। हाँ, एक ही चम्मच एक चम्मच दो दो हांडियों में चल रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है ना हमें। अच्छा, यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा चॉप्ड अप लहसुन, यार मुझे लग रहा है हम अच्छा, आई लव दैट यू डिड नॉट ऐड एनीथिंग, इसको गाढ़ा करें, खुद ही गाढ़ी हो रही है, क्योंकि क्रीम ऑलरेडी ऑलपर्स की बहुत थिक होती है, तो आपको उसमें कोई जैसे कॉर्नफ्लावर वगैरह मैंने देखा है लोग ऐड करते हैं, तो हमने कुछ ऐड नहीं किया, और ये ऑलरेडी देखें कितनी जबरदस्त बन गई और ये गाढ़ा होता चला जाएगा। मैंने हालांकि इसके अंदर वो पूपसी वाली पैकेजिंग डाली है ऑलपर्स क्रीम की, बिल्कुल मैंने बड़ी पैकेजिंग दी। दूध है, चेडर चीज़ है, दोबारा से बता रही हूँ, और इसके अंदर मैंने ये जो ये
स्मॉल 125 मिल्स वाली पैकेजिंग है ऑल पर्पस की। अच्छा, ये वाला पैक डाला है? ये डाला है बस। जबरदस्त भाई, आपको और क्रीम ज्यादा चाहिए तो आप बड़ा पैक भी डाल सकते हैं। अच्छा, लेकिन शेफ रूट इसके साथ जो गार्लिक नान होता है ना, वो भी तो आप बना लो। आ रही है ना रात? आ रही है, आ रहे हैं। वो मुझे मुझसे अभी यही आसिफ और मैं डिस्कस कर रहे थे, 10 चाहिए या 20, कितने हैं तुम लोग? ले आओ यार जितने भी, पर गार्लिक नान होने चाहिए, बीच में से ऐसे कटे हुए तो 10 भी बहुत हैं। 10 भी बहुत है, पूरे 10 ना टोटल। हाँ। तो पीसेस हो जाएंगे उसके कोई 4 के करीब, तो 40 हो जाएंगे। मैं सारा हिसाब लगा रही हूं कि एक बंदा अगर 4 पीस का आएगा तो 10 लोग हाँ पूरे हो जाएंगे। ले आए। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारे जब तुम्हारे पास कोई तोहफा आता है, जिसने अभी हम लोगों को फिलिप्स की जानिब से तोहफा मिला है और हम आपको ऑफर कर रहे हैं ऑलपर्स की जानिब से ज़बरदस्त किस्म का तोहफा, तो तुम्हारी अम्मी या कोई घर वाला होता है जिसको पता चल जाता है, कहते हैं मेरे घर भिजवा दो, तुम्हें क्या इसकी ज़रूरत? अम्मी तक तो नौबत आती नहीं है। मेरी एक अदद सहेली है जो इधर ही होती है, जिसका मैं अक्सर नाम लेती हूँ ताहिरा, वो अभी मुझे कह रही थी कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम मुझे दे दो। और वो मुझसे पूछेंगी नहीं, ये थोड़ी देर में गायब होगा, वो उसके घर पहुँच जाएगा। सो वाई नॉट भाई, फिलिप्स ने मुझे पहले भी एक बहुत अच्छा तोहफा दिया है। नहीं नहीं ताहिरा, आपको क्या यार, तो अच्छा, फिलिप्स का मेरे पास पहला भी है। मसूद भाई जो है फिलिप्स के, ब्रिलियंट मैन, वेरी नाइस मैन, वो मुझे अक्सर ही कोई ना कोई तोहफा भेजते रहते हैं। आई लव द ब्रांड। मैं इसके अंदर आपको मसाले डाल रही हूँ, यहाँ पे मेरे पास है सूखा दलिया। नहीं बंद नहीं करो इसको, बस हल्की हल्की कर दे, बिकॉज ना वो नीचे मुझे लग रहा है, स्मॉल आंच पे छोड़ दो इसको, पकने दो, ये गाढ़ा हो जाएगा। ओके, जब तक आपका मेहमान आएंगे और आप कहानी सुनेंगे गाढ़ा हो चुका होगा। अच्छा यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक। अच्छा ये ना बंद करना पड़ेगा, बिकॉज आंच कम नहीं हो रही और वो थोड़ा सा नीचे लग रहा है। चिली फ्लेक्स, अब ये लोग कहेंगे बहुत मिर्चें खाती है, कोयला कढ़ाई में तो थोड़ी स्पाइस होती है, होती है ना शुगर, एक बना रही हूँ ना ब्लैंड। सही है, इसमें तो कोई मिर्च नहीं डाली भाई? नहीं, काली मिर्च डाली आपने। अच्छा कोयला कढ़ाई में आपने 1 किलो चिकन डाला है, डालडा का ऑयल आपने यूज किया, उसमें आपने चिकन डाला, उसके बाद आपने लहसुन, लाल मिर्च, नमक, जीरा और काली मिर्च, फिर आपने लहसुन अदरक दोनों डाला है, और अब आप क्या ऐड कर रही हैं? मैं इसमें सिर्फ ड्राई मसाले सारे डाल रही हूँ। सो मैंने नमक डाल दिया, टर्मरिक डाल दिया, कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी, कुटी हुई काली मिर्च डाल दी, कुटा हुआ जीरा डाल दिया, धनिया डाल दिया, और एंड पे बाय द वे ये पहले नहीं डालते, हर कोई ये पहले डाल के एक बहुत बड़ी गलती करता है, ये है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी, कसूरी मेथी बिल्कुल एंड पे डलती है, ठीक है। और यहाँ पर रेस्टोरेंट्स के अंदर जो हम चीटिंग्स करते हैं वो ये करते हैं कि हम अपने टमाटर को पेस्ट बना देते हैं, फ्रेश टमाटो है, ठीक है, इसको हमने पेस्ट कर दिया है, बट इट्स इजीयर ना, ये अच्छा, ऑफ कोर्स इट्स इजीयर। तो आपने कटे हुए टमाटर नहीं डाले बल्कि टमाटर का पेस्ट बना के डाल दिया। आपको कभी रेस्टोरेंट के अंदर जनरली टमाटर के ना वो मोटे मोटे चंक्स नहीं, और आपको पता है कि टमाटर को छीलने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका ये है कि आप एक टमाटर लें, उसको क्रॉस में कट लगाएं बिल्कुल ऊपर, और उसके बाद आप उसको ब्लांच करने के लिए डालते हैं ना, आप पानी में डाल दें या थोड़ी देर आप उसको बॉयल करेंगे, जब आप बाहर निकालेंगे तो चुड़ंग करके उसका पूरा छिलका जो है बाहर आ जाएगा, फिर आप उसको डालें जूसर में, गरम गरम ही आप उसको पेस्ट बना लें, और ब्रिलियंट पेस्ट आप इसमें ऐड कर दें। और छिलके के साथ और जूसर आपने किसका यूज करना है? आपने यूज करना है डॉलेंस का, जूस जूसर, जूस जूसर को यूज करना है डॉलेंस का, और कोई भी आप यूज नहीं कर सकते, ये मना है राबे आपी की तरफ से और अरूज आपी की तरफ से। अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहती हूँ, प्रॉब्ली शायद टाइम नहीं होगा क्योंकि राबे आपी कहानी सुनने में मगन हो जाएंगी, मगर रेस्टोरेंट में हम लोग जब फिनिश करते हैं तो कसूरी मेथी के साथ डालते हैं ये आइटम, और ये है मक्खन। मक्खन, मक्खन से एक बड़ा जबरदस्त फ्लेवर आता है कढ़ाई में ना। गार्निश आपने हरी मिर्चें करनी है, हरा धनिया करना है, बारीक कटी हुई अदरक के वक्त हम आपको दिखा, छुट्टी नहीं मिल रही आज अरूज को, अब आप पांडे धोने पे लग जाएं, जल्दी से बर्तन धो दें। ऑफ कोर्स, और बर्तन मेरे पास हमेशा हर रोज इतने ज्यादा होते हैं, मुझे अब ताने पड़ने लग गए हैं। लेमन मैक्स जो है ये नंबर 1 डिश वॉशिंग बार है, क्योंकि ये कम घुले और ज्यादा चले, पूरे महीने आपको ये आपको आपका साथ देगा। इसका स्क्रबर भी आता है, और आपको एक और बात बताती हूँ कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बार है, तो अगर आप अपने बर्तन धोना चाहते हैं तो लेमन मैक्स से धोइए, क्योंकि इसके अंदर है 1000 लीमों की तूफानी ताकत, और इस खातून में भी है तूफानी ताकत, क्योंकि 10 मिनट में 2-2 खतरनाक बड़ी रेसिपीज बना लेती है। हम जा रहे हैं चुन्ने मुन्ने से ब्रेक पर, और जब चुन्ने मुन्ने ब्रेक से आएंगे वापस तो चुन्ने मुन्ने से बच्चे होंगे सेट पर, जो कि ऑलरेडी आ गए हैं। दोबारा से ब्रेक पे जाने से पहले जल्दी से याद करा दो, प्लीज हमें ये व्हाट्सएप नंबर पर पिक्चर भेजना डिश की, ऑल पर्पस चीज के साथ तोहफा देना चाहती हूँ मैं। आप लड़के जो भी घर में मौजूद रहे उनको भगाओ बाहर, बोलो जल्दी से ऑल पर्पस की चीज लेकर आए। चेटे
मोज़रेला चीज़ भी हो सकती है और मोज़रेला भी और स्लाइस भी हो सकती है, व्हिचएवर यू वांट। बस चीज़ होनी चाहिए, चीज़ होनी चाहिए, ऑलपर्स की होनी चाहिए, एक चीज़ होनी चाहिए आज, वो चीज़ होनी चाहिए ऑलपर्स की चीज़। Yes, absolutely. क्या बात है, तो जल्दी से हमें पिक्चर भेजे कोई भी ऑलपर्स की चीज से रेसिपी बनाकर, और तीन लोगों को रोजाना हम गिफ्ट हैंपर्स भेज रहे हैं ऑलपर्स की तरफ से। एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद बच्चा वाड़ी के साथ होंगे हाजिर इन प्यारा रमजान। और शेफ अरूज ने आज बनाया है जी पनीर रेशमी हांडी एंड कोयला कढ़ाई। सो ये बड़े एक फेमस रेस्टोरेंट की दो डिशेस हैं। आप चाह रही हैं, बार बार मैं बता रही हूँ, बार बार बता के आप मेक श्योर करवा रही हैं कि मैं कभी भी मुझे अरीबा आइए ये डिशेस आपके लिए है। आप बैठना, अच्छा, आप अंदर आए, फिर किचन में आए, आ जाए आ जाए, उधर इधर से आ जाए। अच्छा मैं दिखाना चाहती हूँ बाय द वे नाज़रीन को कि मेरी यहाँ पर ये जो है हांडी and I'm gonna put it on low flame again. proper handi handi mein bani hai. हाँ भाई handi handi mein नहीं बनेगी तो क्या मजा आएगा? So low flame and इसके ऊपर ये तुम लोगों ने by the way मैं तो चली जाऊंगी अफ्तारी पे खाना है। हाँ of course ये कोई कहने की बात है। तो राबे आज मैं रुक जाऊँ तारी डाल दूँ आप बिल्कुल बिल्कुल रुकें भाई हमारे साथ। कल भी जो हमारी गेस्ट थी ईशल वो भी रुकी थी, शहजल शौकत व जहर वो भी हमारे साथ अफ्तारी में थी, तो क्यों नहीं अफ्तारी में होना जरूरी होता है। ये है कोयला कढ़ाई, ठीक है, इसको मैं कोयले का दम पहले लगा रही हूँ। सही है, कोयले का दम लगाने के लिए मैंने बाय द वे पका लिए बिल्कुल ठीक है, वो देखो ड्राई हो गई। अभी आप पहले कोयले का बता दें फिर मैं आपसे थोड़ा रिपीट भी करवा दूंगी। मुझे भी सीखना है कोयला दम वैसे। हाँ कैसे लगता है कोयले का दम? डू यू वांट टू डू इट विद योर हैंड्स? नहीं नहीं आप कह रहे हैं मैं इसमें सीखना चाह रही हूं कि कैसे। ओके कोयला है तेज गरम, हमने इसको नॉर्मल आंच के ऊपर तेज गरम कर दिया। इसके ऊपर आप डालेंगे 2-3 कतरे ऑफ ऑयल, हाथ में ढक्कन रखिएगा। ओके एंड और जब धुआं निकले तो आप इसको बंद कर। हाँ यहाँ से भी थोड़ी देर बंद रखें, मैं तो इसमें टिश्यू फंसा देती हूँ। हाँ प्लीज फंसा दें, थैंक यू यार, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। अच्छा अरीबा घर में कुकिंग करती हैं? अभी शुरू की है मैंने। क्या पका रही हो? मैं शिफ्ट हुई हूँ वहाँ पे। अच्छा क्या पकाती हो वहाँ पर? मैंने बिरयानी बनाई है वैसे। नहीं पहली चीज क्या बनाई? लाइक प्रॉप दाल चावल। दाल चावल या अच्छा मेरे फेवरेट है। मैं यहाँ पर आप दोनों से खवातीन से सवाल करना चाहती हूँ कि अक्सर मतलब पुराने टाइम में और अभी भी बहुत सारी फैमिलीज में होता है कि द फर्स्ट मील दैट यू मेक इन योर ससुराल आफ्टर यू गेट मैरिड, बहू से खाना बनवाते हैं, आपने क्या बनाया और आपने क्या बनाया? यार आई थिंक मैंने तो कुछ मीठा ही था, खीर और समथिंग लाइक दैट, मैंने उसमें बस हाथ फेर दिया था, उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। और अरीबा आप बताएं? मेरे ससुराल में जो है ना मेरी जो सास है उन्होंने अभी तक मुझे कुछ बनाने नहीं दिया है, और ना मुझे और ना ही मेरी जो बड़ी भाभी है उसे। जन्नती और हमारा स्टाफ है और वो बस कहती है कि जो तुम लोगों को चाहिए बस बता दो आ जाएगा। और कोई तुम लोग अपने घर जाके बना। नाम है आपकी सास का रीबा? नाज। नाज साहिबा जन्नती खातून है आप, अल्लाह आपको बहुत बहुत खुश रखे और माशाल्लाह इसीलिए आपको इतनी प्यारी प्यारी बहुएं मिली। कितनी बहुएं हैं नाज? दो बहुएं, इतनी अच्छी बहुएं आपको मिली हैं माशाल्लाह, और आपकी ये वाली बहू तो हमारी बहुत फेवरेट है भाई। सो क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो रिश्ता है ना अल्लाह ताला मिलवाता है, तो इतनी अच्छी हैं तो आप भी बहुत अच्छी हैं, तो दोनों को मिलवा दिया भाई, क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा जी शेफ अरूज जरा क्विकली अगर आप रेसिपी मुझे बता दें, सिर्फ कोयला कढ़ाई की, क्योंकि वो तो याद हो गई होगी लोग। अच्छा कोयला कढ़ाई के अंदर आपने थोड़ा सा ऑयल लेना है, डालडा कुकिंग ऑयल, उसमें आपने डाला 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें या चॉप कर दें, व्हाटएवर यू वांट। उसके अंदर आपने सॉटे करना है बोन इन चिकन, कढ़ाई कट चिकन को आपने सॉटे किया, जैसे ही वो हल्का सा ऊपर से बाइट होने लगा उस पॉइंट पर आई लाइक टू पुट पर्सनली सारे के सारे ड्राई मसाले, जिसके अंदर टर्मरिक है, जिसके अंदर मोटी कुटी हुई लाल मिर्च है, काली मिर्च है, इसके अंदर जीरा है, धनिया है, अगर गरम मसाला डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं डालना चाहते स्किप कर दें, ऑब्वियसली सॉल्ट है वो डाल के आप सॉटे करें, फिर आप उसके अंदर मैं डालती हूँ पीस के टमाटर। हाँ, सारे के सारे टमाटर को ये डॉलन्स के ब्लेंडर में आप ग्राइंड करके उसका पेस्ट डाल दें, जल्दी हो जाती है कहानी, ठीक है, वो डाल दें, पकने दें थोड़ी देर, जब वो गाढ़ा होना शुरू हो, ये थोड़ा ग्रेवी के साथ होता है, यस ठीक है, तो थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो उस पॉइंट पर आप कसूरी मेथी डालें। हाँ, बिल्कुल एंड में, टुवर्ड्स द एंड, कसूरी मेथी डालें और
थोड़ा सा मक्खन डाल दें, ये चीट कोड है। चीट कोड ठीक है, मक्खन से कसूरी मेथी, यस मक्खन मेक्स एवरीथिंग बेटर, खुशबू भी आती है ऊपर, तैरता हुआ दिखता भी है, कोयला कढ़ाई में हमेशा यम लगता है। बहुत शुक्रिया शेफ फिरूज, आपने बेहतरीन दो रेसिपीज बनाई जिसे हम खाएंगे अपनी अफ्तार में। एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, अरीबा हमारे साथ मौजूद है, और भी बहुत सारी बातें होंगी, अपने आगे के सेगमेंट्स होंगे, आज जेर जबर पेश भी होना है, किचन मास्टर होना है, और किचन मास्टर में आज कुछ खास होने जा रहा है, सब कुछ एक चुन्ने मुन्ने ब्रेक के बाद।